जोशीमठ जो है कि एक भूस्खलन क्षेत्र पे है, ये मोरेन पे टिका हुआ है। अगर इस पे छेड़छाड़ किया गया तो ये कस्बा बचेगा नहीं। कहते बड़े आंदोलन होते थे, हम कंपनी के विरुद्ध थे। हमारा मानना ये था कि सवाल ये है कि क्षेत्र तो प्रत्येक नागरिक का जा रहा है, फायदा तो पूंजीपति वाला जो ठेकेदार बनेगा, जो नौकरी जवान होगा वही तो नौकरी करेगा, विधवा का क्या होगा? सामूहिक संपत्ति तो उसकी भी जा रही है। तो तब सरकार ने सारा अधिग्रहण करके बिने लोगों को पूछे, बिने मालिक को पूछे, वो अधिग्रहण करके कंपनियों के हवाले कर दिए। तब भी लोग जुड़े नहीं थे, लोगों को ये था कि चलो खेत तो कराने बिक तो रहा है, वो लाखों रुपया जो मिले वो तो कब के ही खा गए, ऐसी भी खत्म हो गई। सवाल उन चीजों का है, आप रिस्क के सरद्वार से आ रहे हो, उल्टा धंधा ये देख लो कि वहां से तो हमें जाम में फंसना पड़ रहा है, प्रतिबद्ध बॉर्डर से उल्टा रास्ता हाईवे बंद है, वहां चमत्कार ये क्या है? ये खेल है मानो। एक तरफ सवाल उन चीजों का है कि यहाँ नंदा देवी नेशनल पार्क या उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क हो गया, या मानो तो वहां पे तो ये है कि आप ध्वनि प्रदूषण गा नहीं सकते हो, बजा नहीं सकते हो ध्वनि प्रदूषण, और जब ये ब्लास्ट हो रहे तब वो ध्वनि नहीं हो रही क्या? एक तरफ सरकार क्या कह रहे हैं कि ये जो ब्लास्ट यहाँ हो रहा है, ब्लास्ट किस चीज का? हाईवे बन रहा है, जल विद्युत परियोजनाएं बन रही है, वो जर्जर तो कर ही रहा ना, एक बार दरार पड़ गया, अभी तो ये दिन देखने पड़ रहे बिने मानो उसके। अगर बरसात हो गया और 2003 हमने 2002 से 2003 में राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, मानो प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? ज्ञापन क्या क्या किस लिए दिया था आपने? ज्ञापन क्या कहा था? किन प्रोजेक्टों को बंद हो, और ये वैज्ञानिकों ने बताया है कि जोशीमठ जो है कि एक भूस्खलन क्षेत्र पे है, ये मोरेन पे टिका हुआ है, अगर इस पे छेड़छाड़ किया गया तो ये कस्बा बचेगा नहीं। कहते लेकिन किसने सुनना है? अरे वो खतरा ये भी है कि हम असंगठित हैं,